हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो नया डीसी यूनिवर्स होने वाला है हमारा, उसमें हमें एक नया बैटमैन देखने को मिलेगा, जिसका सोलो प्रोजेक्ट होगा बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड, जिसमें डैमियन वेन का रॉबिन भी नज़र आने वाला है। तो कुछ र्यूमर्स निकल के आ रहे हैं कि जो बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी होने वाली है, इसके डायरेक्टर को कन्फर्म कर दिया गया है। यानी एक डायरेक्टर को कंफर्म कर दिया गया है जो बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी को डायरेक्ट करेगा। अब वो डायरेक्टर कौन है, उसका नाम अभी निकल के नहीं आया है, लेकिन ये बात चल रही है कि हाँ, डायरेक्टर कंफर्म हो चुका है इस मूवी का। अगर आप मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो मैंने कई बार आपको बताया है कि जुलाई में जो सैन डियागो कॉमिक कॉन होने वाला है, ये डीसी यूनिवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कई सारी अनाउंसमेंट्स हमें देखने को मिल सकती हैं इस वाले कॉमिक कॉन में। हो सकता है जो डीसी यूनिवर्स के चैप्टर वन के कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनको जेम्स गन ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है, हो सकता है उन्हें अनाउंस कर दिया जाए सैन डियागो कॉमिक कॉन में। या सुपरमैन का रोल कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है, मे बी उस एक्टर को भी अनाउंस किया जा सकता है। या हो सकता है बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड को कौन सा डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है, उसका नाम भी शायद सैन डियागो के कॉमिक कॉन में बता दिया जाए। सैन डियागो कॉमिक कॉन जो जुलाई में होने वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है डीसी यूनिवर्स के लिए। एक और चीज़ गाइस, मैं पर्सनली ये चाहूँगा कि डीसी यूनिवर्स का जो बैटमैन है, ये थोड़ा सा एक्शन ड्रिवन ज़्यादा रहे, यानी एक्शन बेस्ड ये थोड़ा सा ज़्यादा रहे। क्योंकि हम जानते हैं, एक हमारा एल्सवर्ल्ड का भी यूनिवर्स चल रहा है, रॉबर्ट पैटिनसन का बैटमैन, और उसके फर्स्ट पार्ट को अगर आपने देखा है, तो आप समझ गए होंगे कि मैट रीव्स एक डिटेक्टिव स्टाइल और स्टोरी ड्रिवन बैटमैन के लिए जा रहे हैं। तो क्योंकि डीसी यूनिवर्स में भी एक बैटमैन रहेगा, तो उसे थोड़ा सा अलग दिखाया जाए रॉबर्ट पैटिनसन के बैटमैन से। क्योंकि डीसी यूनिवर्स के बैटमैन को फ्यूचर में जाके एलियंस से लड़ना है, उसे सुपरमैन के साथ कंधे से कंधा मिला के जस्टिस लीग में पार्ट लेना है, तो थोड़ा सा एक्शन पैक्ड बैटमैन हो डीसी यूनिवर्स का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सवाल यह है कि कौन सा डायरेक्टर है जो बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड डायरेक्ट कर सकता है। तो बहुत से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद एंडी मस्केटी हैं जो बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड को डायरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो फ्लैश मूवी जिसे एंडी मस्केटी ने डायरेक्ट किया है, एक तो फ्लैश मूवी को अर्ली रिव्यूज़ बहुत अच्छे मिल रहे हैं, प्लस जो बैटमैन के एक्शन सीन्स हैं उनकी तो खास करके लोग तारीफ कर रहे हैं। चाहे बेन एफ्लिक के बैटमैन के जो एक्शन सीन्स हैं, या माइकल कीटन के बैटमैन के जो एक्शन सीन्स हैं, इनकी तो खास करके तारीफ की जा रही है। तो हो सकता है एंडी मस्केटी को बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी को डायरेक्ट करने के लिए दिया जाए, मे बी ऐसा हो सकता है। अगर एंडी मस्केटी बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड डायरेक्ट कर रहे हैं, तो अगली जस्टिस लीग मूवी जो बनेगी, तो आई थिंक 99% चांसेस रहेंगी कि एंडी मस्केटी उसे भी डायरेक्ट करेंगे। क्योंकि फ्लैश मूवी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, टेक्निकली देखा जाए तो जस्टिस लीग 1.5 है। तो अगर एंडी मस्केटी फ्लैश मूवी को संभाल सकते हैं, तो वो बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड और जस्टिस लीग मूवी को भी संभाल सकते हैं। तो एक तो ये अपडेट था कि जो डायरेक्टर है बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड के लिए, उसको लॉक कर दिया गया है। लेकिन कौन डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड को, ये शायद कॉमिक कॉन में हमें क्लियर हो। और दूसरी जो अपडेट है वो ये कि साशा कई की जो सुपर गर्ल हैं, उनके कुछ सीन्स या एक्सक्लूसिव पिक्स और एक एक्सक्लूसिव क्लिप भी उनकी रिवील की गई थी। तो कुछ एक्स्ट्रा शॉट्स हमको दिख रहे हैं उनके, और ये वही सीन है जब जो ब्रूस वेन, यानी हमारा जो माइकल कीटन का ब्रूस वेन है, उसका जो घर है, उसका जो वेन मैनर है, शायद उसकी छत से जब साशा कई की सुपर गर्ल जब फर्स्ट फ्लाइट अपनी लेती है सूट पहन के, तो ये वही वाली क्लिप्स हैं। और जो VFX CGI की अक्सर लोग कंप्लेन कर रहे हैं फ्लैश मूवी के बारे में, तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हम देख रहे हैं कि VFX CGI की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है। और ये जो पिक है, ये शायद उसी गवर्नमेंट फैसिलिटी की है जहाँ पे हमारा माइकल कीटन का बैटमैन और दोनों बैरी एलन उस क्रिप्टोनियन को छुड़ाने के लिए आते हैं, जिसे वो समझ रहे होते हैं कि वो सुपरमैन है, लेकिन उनको पता चलता है कि भैया ये क्लार्क केंट नहीं है, ये दरअसल सुपर गर्ल यानी कारा जोर एल है। तो यही दो अपडेट्स थी कि बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड के लिए डायरेक्टर को चुन लिया गया है, लेकिन इसका नाम अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। और दूसरा, साशा कई की सुपर गर्ल की कुछ एक्सक्लूसिव पिक रिलीज की गई हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या एंडी मस्केटी डायरेक्ट कर सकते हैं बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड को? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।